दोस्तों, लीगल आईपीएल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पीएफ के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड के तहत एम्प्लाई का जो शेयर होता है वो 12% होता है और एम्प्लायर का जो शेयर होता है वो भी 12% होता है। एम्प्लायर का शेयर दो पार्ट में जाता है, 8.33% और 3.67%। इस तरह से टोटल 24% जो पैसा होता है वो एम्प्लाई के अकाउंट में जमा होता है। ईपीएफ आपके यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। अगर आपके यहाँ पर 20 एम्प्लाई काम कर रहे हैं, 20 कर्मचारी हैं, तो आपके यहाँ पर पीएफ एप्लीकेबल हो जाता है और पीएफ काटना मैंडेटरी है। जिन भी एम्प्लाई की सैलरी, बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है, उनका पीएफ काटना मैंडेटरी है, आपको उनका पीएफ काटना पड़ेगा। एज पर एक्ट, जो भी कर्मचारी आपके यहाँ 15,000 रुपये तक बेसिक सैलरी वाले हैं, उन सभी का पीएफ काटना मैंडेटरी है। उसके ऊपर जिसकी भी सैलरी है, बेसिक सैलरी 15,000 से ऊपर है, तो उनका काटना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ ज्वाइन करते समय आपने किसी की सैलरी 17,000 रुपये रखी है और आपके यहाँ ज्वाइन करने के पहले वो एम्प्लाई जिस कंपनी में काम करता था वहाँ पर उसकी सैलरी पर पीएफ कटता था, तो आपके यहाँ पर आने के बाद में उसकी बेसिक आप चाहे 1,00,000 रुपये रख दें, तब भी आपको उसका पीएफ काटना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि लोग इस चीज़ को छुपा लेते थे पीएफ बचाने के लिए, कि फॉर्म 11 भरा लिया, फॉर्म 11 में डिक्लेरेशन ले लिया कि इसके पहले जिस कंपनी में काम करता था कर्मचारी वहाँ पर उसका पीएफ नहीं कटता था, उसके पास कोई पीएफ नंबर नहीं था। अब क्या है कि जब से यूएन नंबर आया है और आधार से यूएन को लिंक किया गया है, तब से अब इस चीज़ को छुपाना बहुत मुश्किल हो गया है कि आप ये चीज़ अब नहीं छुपा सकते हैं कि उस कर्मचारी का पीएफ पहले नहीं कटता था। आप आधार नंबर के थ्रू किसी भी कर्मचारी का आप बता सकते हैं कि ये इसके पहले किस कंपनी में काम करता था, कितने साल किस किस कंपनी में काम किया है, वहाँ पर क्या पीएफ कटा है। इसलिए ऐसी गलती ना करिए, अपने कर्मचारियों से सही डिक्लेरेशन लीजिए और सभी का पीएफ कटवाइए। जो भी इसके एलिजिबल हैं, जो भी इसके पात्र हैं, सभी जो भी कवर्ड होते हैं उनका पीएफ आप काटिए और जमा कराइए डिपार्टमेंट। क्योंकि अगर आप नहीं जमा कराएंगे तो इसकी लाइबिलिटी अब आपको जो निकल के आएगी वो आपको उससे कहीं ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, ऑलमोस्ट डबल देना पड़ेगा आपको। जो मूल आपका पीएफ होगा उसमें फिर इंटरेस्ट और पेनल्टी जोड़ के आपको कहीं ज़्यादा जमा करना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करिए। जो भी कर्मचारी आपके पीएफ में पहले कवर्ड थे आपकी कंपनी में आने के पहले, उनका पीएफ जरूर कटिए। पीएफ की लिमिट जो है वो 15,000 रुपये है। 15,000 रुपये तक जिसकी भी बेसिक है उनका पीएफ काटना मैंडेटरी है। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, इसका लाभ कर्मचारियों को मिलता है। भविष्य निधि है, उनके भविष्य की निधि है, भविष्य में उनके काम आने के लिए ये पैसा जमा किया जाता है। सरकार ने ESIC और EPF ये दो स्कीमें बनाई हैं कर्मचारियों के लिए, कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम कहा जाता है इनको, ताकि एम्प्लाई सिक्योर रहे, उसको ये विश्वास रहे कि हमारा पीएफ कट रहा है, हमारा ESIC कट रहा है और हमारी फैमिली और हम सिक्योर हैं। क्योंकि ESIC में मेडिकल बेनिफिट मिलता है और इसमें भी आपको पेंशन के साथ में इंश्योरेंस भी आपका होता है। इन केस ऑफ कोई डेथ होती है तो आपके परिवार को इसका बेनिफिट मिलता है, पेंशन का बेनिफिट आपको मिलता है। इस तरह से आपको ESIC और EPF काटना मैंडेटरी है। PF जमा करने की और ESIC जमा करने की, चालान जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 15 तारीख, हर महीने की 15 तारीख तक आपका चालान जमा हो जाना चाहिए। तो जो सैलरी हम देते हैं कर्मचारियों की, उसकी जो लास्ट डेट होती है कर्मचारियों को सैलरी देने की, वो होती है 7 तारीख या मैक्सिमम 10 तारीख। जब हम सैलरी देखते हैं, सैलरी हमने बनाई 10 तारीख तक या 7 तारीख तक, तो उसी समय हमने पीएफ का चालान जमा कर देना चाहिए, ताकि लास्ट मिनट के हर्डल से हम बच सके। लास्ट टाइम पे जब हम चालान जमा करने जाते हैं और उस समय इतना सर्वर पर लोड हो जाता है, इतना ज़्यादा वहाँ पर रस हो जाता है कि हमारा चालान कई बार नहीं जमा हो पाता है। टाइमली चालान न जमा होने की वजह से हमारे ऊपर ऑल लाइबिलिटी आ जाती है, इंटरेस्ट और पेनल्टी की। इनकम टैक्स में भी हमारे खर्चे नहीं बुक होते हैं, अतः
टाइम पर ईएसआई ओपीएफ जमा कराइए और अननेसेसरी के लीगल लायबिलिटीज से बचिए। धन्यवाद।